संडे को आओ घर पे, फिर जमा देंगे एक एक बाजी ताश की। अरे ताश नहीं, लाश, सर मरा हुआ आदमी। पता नहीं कैसे कैसे बहरे लोग सीआईडी में आ गए हैं, दिमाग खराब कर दिया। ओह तो लाश मिली है, ऐसा बोलो ना, इसका मतलब समझे? इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब है कि यहाँ पे किसी का खून हुआ है। वाह क्या बात कही है, इसके लिए तो आपको पद्म भूषण मिलना चाहिए। अरे फालतू की बकैती छोड़ो और ये बताओ कि लाश का करना क्या है? तुम ज्यादा होशियार मत बनो, तुम्हारा बॉस कौन है? हम है ना, तो हम बताएंगे क्या करना है। इस लाश के बालों का सैंपल लेने के लिए लेबोरेटरी में भिजवाओ उसके बालों को। अरे यार दिमाग खराब कर दिए हो सर आप हमारा, लाश के बाल का सैंपल कहाँ से भिजवाएं? लाश के सर पे तो एक भी बाल नहीं है। क्या बात कर रहे हो, सर के लाश पर एक भी बाल नहीं है? अरे हाँ सर, तो और कब हो रहे हैं, लाश के सर पे एक भी बाल नहीं है। इसका मतलब समझे? बताइए क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है क्या है? अरे सब्र करो, बता रहे हैं। इसका मतलब है, अरे हाँ सुन रहे हैं, बताओ क्या मुहूर्त निकाल के बताओगे क्या? इसका मतलब है, अरे हमारा जूता कहाँ है? जूता जूता देंगे तुम्हारे सर पे। अरे चुप रहो यार, इसका मतलब है कि मरने वाला टकला है। हे भगवान, कैसे पागल लोगों से पाला पड़ा है। अरे तुम पागल वागल हो क्या? वो तो दिख ही रहा है कि आदमी टकला है। अब हमारी बात को ध्यान से सुनो, ये फालतू की बकैती छोड़ के हमको इस बात का ध्यान लगाना चाहिए कि खून कैसे हुआ, खून क्यों हुआ और खूनी कौन है। अरे यार खून किसने किया है ये तो हमको पहले से ही मालूम है। अच्छा तो आपको पहले से पता है, आप अंतर्यामी हो। अरे जब पहले से पता है तो चलो चल के पकड़ते हैं। बताओ जरा अपना मुंह खोलो, किसने खून किया है? और क्या, सीधी सी बात है, खून खूनी ने किया है, और कौन करेगा? दर्जी आके खून करेगा क्या? देखा कितना तेज दिमाग है हमारा, रोज 5 बादाम गला के खाते हैं इसीलिए, और तुम इसीलिए आज तक हमारे नीचे काम कर रहे हो, दिमाग तो घर छोड़ के आते हो। पानी अब सर के ऊपर जा चुका है, ऐसा ना हो कि हम आपका खून करके खुद ही खूनी बन जाएं। तो अपनी जबान को जरा लगाम दो, फालतू की बकैती ना दो, ठीक है? अच्छा ये देखो, लाश की एक किडनी भी गायब है। अच्छा लाश की एक किडनी भी गायब है, इसका मतलब समझे? हाँ हमको पता है इसका क्या मतलब है, ज्यादा होशियार ना बनो। इसका मतलब है मरने वाले के पास iPhone 8 था, किडनी बेच के खरीदा होगा iPhone 8। लाश की एक किडनी नहीं है, इसका मतलब ये है कि मरने वाले के पास iPhone 6 था, क्योंकि iPhone 8 लेने के लिए तो दोनों किडनियां बेचनी पड़ती ना। वाह क्या बात है सर, एक बात बताओ, iPhone 8 तो आपके पास भी है फिर भी आप जिंदा हो, आपने अपनी दोनों किडनी बेच दी क्या? हाँ तो है हमारे पास iPhone 8, ऐसा ही थोड़ी ना आ गया है, हमने भी बेची है दोनों किडनियां, फिर आप कैसे जिंदा हो? अरे पागल, अपनी किडनी कौन बेचता है, एक अपनी बीवी की और एक अपने ससुर की, दोनों की किडनियां बेच डाली। हम जा रहे हैं सीआईडी की नौकरी से इस्तीफा देके, हमें आप जैसे पगलों के साथ काम ही नहीं करना, हम चले, जय राम जी की। अरे 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 कहाँ जा रहा, अरे अरे त्रिपाठी जी, अरे सुनो तो, अरे भैया नाराज हो गए क्या? चला गया पागल। लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, नहीं तो आपकी भी किडनी बेच के iPhone 10 खरीद लेंगे, मार्केट में आ गया है।